में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। मरने के बाद शरीर को जलाने से तो अच्छा है कि उनके अंग किसी व्यक्ति के काम आए। कुछ ऐसी ही सोच के साथ एक दंपति ने जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के समक्ष उपस्थित होकर अपनी देह दान का संकल्प पत्र सौंपा। मुख्यालय पर आज एक दंपति तेजपाल और लीला नलवाया ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर महावीर इंटरनेशनल के तत्वाधान में जिला कलेक्टर चेतन राम देवरा को मरणोपरांत अपनी देह दान का संकल्प पत्र सौंपा। नलवाया दंपति ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है और इसी को देखकर जो उनके अंदर काफी समय से कश्मकश चल रहा था कि मरने के बाद अपनी काया को आग के हवाले करने से अच्छा है कि यह शरीर किसी के काम आए, अपने बेटे अभिषेक और बहू अभिलाषा से बात करने के बाद यह संकल्प किया है। मैं तेजपाल नलवाया आरएफसीसी एसोसिएशन में रिटायर्ड हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे काम का संकल्प पत्र कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत किया और बच्चों के पढ़ने के हिसाब से मैंने अपने मेडिकल कॉलेज को लेकर नहीं, ये तो शुरू से ही हमारे संस्कारों में, हमारी आंटी जी वगैरह की बहुत पहले भी 15 साल पहले भी देह दान कर चुके हैं हम लोग। बापू नगर से थी, मैंने मेरे मर्जी से ही ये बोली दान किया है क्योंकि बच्चों के पढ़ने में सब काम आ सके। हमारे परिवार में हमारे आंटी जी ने भी पहले किया है रतलाम में, ये हमारे परिवार से दूसरा तीसरी बोली है, हम दोनों जने दे रहे हैं। बर्थडे के दिन 24 अगस्त को इनकी बर्थडे थी, उसी दिन हमने संकल्प कर लिया था कि हम अपनी दोनों जनों की बॉडी दान करेंगे, इसलिए आज कलेक्टर साहब ने बुलाया है, उनके सामने फार्म दिया और दस्तखत करवाए उन्होंने और आज हमारा कार्य पूरा हुआ। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।